ना बाल इतना ब्याह क्यों कर लिया है हमने बेरा है कौन था बाल लगे ना बाल लगे देख कितनी झूठ बोल रहा 10वीं में के पेपर दिए थे मेरे घर मार दूंगी और की ना तेरे जी पुलिस पकड़ कर ले जाएगी सच में जय माता दी। दोस्तों पवार फैमिली व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है और आज है 3 अप्रैल और कल 2 अप्रैल थी। 2 अप्रैल ने मेरा फिजिक्स का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम बढ़िया हो गया। तैयारी तो मैंने बहुत घनी करी थी, फिर एग्ज़ाम भी बढ़िया हो गया और आज 3 तारीख है 3 अप्रैल और आज मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी है और सुबह सुबह मैंने विश कर दिया था और ये रही मेरी मम्मी और मैं दोबारा विश कर दूँ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मम्मी। थैंक यू। और निशांत तने भी करी है के मेरी आंख नहीं खुली थी पर मैंने मैरिज एनिवर्सरी विश करी थी। निशांत तने नीति तो पहले कर नीति तो नीति तो ईव उठी है नीति थक गई कल जुकर एग्जाम देने गई तो जुकर स्कूल में जावे हैं तो बेंचा पे बैठने की आदत है तो एग्जाम देने गई थी तो हम जमीन पे बिठा दिए, चौकड़ी लगा के बैठना पड़ा और चौकड़ी लगा के इतनी देर तक 2.5 घंटे तक बैठना आसान बात ना है तो पैरों में दर्द हो गया। रात ना आईडेक्स लगा के सोई और ईब उठी हूँ 8:30 बजे, बाकी 9:30 बज रहे हैं, मैं 8:30 बजे उठी थी। आगे है पापा और ये गाड़ी लगाऊंगी यार तो भाई आज है हमारी 20वीं सालगिरह और बड़ी ऐसी खुशी बीती है और आज भी मैं मैडम के लिए यार साल जैसे ले आया हूँ तो आज भी ले आया हूँ मैं कुछ गिफ्ट और वो दूंगा मैं अभी उनको, इसमें है वो गिफ्ट और अभी दूंगा और हमारे गले बने रही हो। आज हम अपने एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करेंगे ये देखते रही हो और मैडम बैठी है वहाँ रूम में। हेलो हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सेम टू यू। आपने भी बंद कर ले भाई इसने। बढ़िया ड्रेस तो सिली सिलाई ले रही है, मैंने सीमण की जरूरत को नहीं। मेरी मम्मी इतनी बिना सिली और लगानी थी हाथ साफ हो गए। अच्छी बात से दो ड्रेस है दोनों बढ़िया अपनी अपनी जगह है। मम्मी फिर तो मौज होगी आज फिर पार्टी पार्टी चले लगता है कि पार्टी एनिवर्सरी की अलग लगता है कि अलग सिंपल और सोबर इसे कपड़े पसंद आना है। ये बढ़िया लग रहा है गर्मियों में डाल ले जाएंगे भी है कौन सा बढ़िया पैर के दिखाऊं पैर के डाल फिटिंग तो करनी पड़ेगी आपने इनका एक बार पहला डाल लूं कौन सा बढ़िया लग पहला आज एनिवर्सरी ने डाल लूंगी मैं इन्हें वगैरह शेयर करेंगे। आप आपकी शादी की वीडियो की तैयार हमारी शादी की वीडियो पहले उसमें कैसेट आ करती कैसेट में उसमें बनी थी फिर वीसीआर ने खराब कर दी थी, खराब करने के बाद हमने वो सिटी में डेवलपमेंट करवा दी थी फिर यूएसबी आ गई फिर फोन आ गए इतने उनमें वो घस पे टोका बेरा निकित गई। जयराम जी की कर दी मतलब जयराम जी की कर दी बार करते बार चले गए। एनिवर्सरी की वीडियो हमारे पास है एक सेट है लेकिन आधा अधूरा है शायद वो लेकिन है वो निधि वो नितिन के पापा के पास है मेरे बड़े भाई के पास है वो और वो उन्हीं के पास अवेलेबल भी है क्योंकि पीछे हमने लैपटॉप में देखी थी लैपटॉप में डाल रखी है वो। ये देखो और मेरी मम्मी ने दोनों सूट ट्राई करके देख लिए हैं, मेरी मम्मी के दोनों सूट घने पसंद आए हैं। पसंद ना आए बुंडे आए देखिए किसे ढीले ढीले भी और ऊपर तो महंगे घने कितनी फिटिंग के हिसाब के करूँगी मैं इसका मतलब पापा ने सिर्फ रेंज देखेगी इनकी हाँ भाई रेंज बढ़िया तो सूट भी बढ़िया होगा फुल साइज के 5-7 की लेडीज आके सूट और मेरे पास 3 है 3.5 तो मेरी मम्मी का कोई सा भी सूट पसंद ना आया है ये मैं के डाल लूं मेरी मम्मी का तो चाचा डर रहा है कि खेत बढ़िया खेत में खड़ा कर दो जानवर डर जाएंगे रोज रहा जाएंगे
देख मैंने शूट कर ला रही मैं मेरी मम्मी ने कहूँ मम्मी साड़ी पहन लो आज हमारे पड़ोस में शादी है तो मेरी मम्मी ने कहा है शादी बताने के बाद साड़ी पहनूंगी उस पड़ोस में हर साड़ी पहन के जाऊँ तो अच्छा ना लगे आज इस छोरे ने इतना गंदा काम करा है ना मेरे गला इसने अपनी अंग मतलब हाथ में है ना चार ये उंगली हो है ना ये चार उंगली है ना नुपक कर दी मेरे उड़े हाथ पे इतने मतलब नूनी क्या कर खून भी आए मम्मी मेरा हाय टपक टपक पड़े हैं कभी खून के ऊपर आए होंगे बेचारी को ऐसा सोचने के पर मां ढूंढी और की ना तने जी पुलिस पकड़ के ले जाएगी सच में इसने देख कर तीनों खरच दिया नुच कर दिया अरे तू रोज पढ़ लिया मैंने फिर तने करना जरूरी था कि बिहारी बिहारी लगते हो एक बिहारी सो में भारी चल पकड़ देख क्या है मैं ये चला ना ये इतना दौड़ा आदमी देख के डर जाएंगे इससे मैं इतना दौड़ा देख कितना क्यूट है ओह माय गॉड क्यूटनेस क्यूटनेस झलक रही है ये मम्मी ने एल्बम देखना शुरू करा है इव और बहुत दिन हो गया एल्बम देखे ये मेरी बड़ी मम्मी है हम दो बहना की शादी थी एक दिन ये मेरी बड़ी बहन है निधि आपके तो पहचान में भी नहीं आ रही होंगी मेरी मम्मी है या फिर सेम है हम दोनों दोनों देखिए ये मेरी बड़ी बहन का फोटो है मैं अपना दिखाऊंगी आगे मारे मेरा पाऊंगा ये मेरा है देखो यो मम्मी का फोटो रहा सेम है हम देखिए रहा इसमें और इसमें घना फर्क ना है दोनों जमा सेम 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 हाँ आड़ा शुरू माए नहीं एल्बम बनी ना जब जब एल्बम माले का फोन आया भाई मारी फोटो है ना पछाण मारे दोनों आ मैं तो नरेंद्र की बहू कौन सी है सतीश की कौन सी हमने फोटो का फिर मेरा तिल है मेरी बेबे का तिल कौन है उस तम नहीं ना पछाणा भाई एक का तिल है गल पर एक का कौन है फिर एल्बम माला तो एल्बम माला ने अलग अलग फोटो लाए ये बड़े भाई है नरेंद्र जी के देख निशांत जी सा लग है ना ये फिर वो कम उम्र के थे बाकी मेरी मम्मी के थी मेरे जैसी लग है नहीं ये निशांत जी सा लग है निशांत जी सा ये शक्ल मैच कर मैच कर मैच कर ये नीदी मैं नीदी तेरे ते भी कम उम्र की थी जब मेरी शादी हुई ये तो मैं 18 की हो गया आप कितने साल के थे मैं 17 की थी 17 के फिर भी मेरे थोड़े 17 की मेरे फिर भी मेरे थोड़े 17 साल की अच्छा फिर जब तब ब्याह कर आए करते 17 साल की देख 17 साल की का सब कराया करते हरियाणा में तक गाना चलन था जब प्लस 2 गांव में फिर 10वीं के पेपर दिए थे मैंने 11वीं के दिए 12 की थी मतलब ये कौन थी राजू बताऊ मारे घर क्या का कोई वो नहीं था मोटिव के पापा का भी पापा की भी शादी कर दे फिर मेरे पापा का गणा चाह था ब्याह कराने का ये मेरी दादी बड़ी दादी मेरे जो दादा थे उनने दो शादी करी थी ये बड़ी दादी है और आगे छोटी दादी रहूंगी वो दिखूंगी ये छोटी दादी ये वाली है ये रही मेरी छोटी दादी बड़ी दादी है ये छोटी दादी है निधि के दादा की दो शादी हो रही थी ये रे मेरे दादाजी दादाजी बहुत सुंदर थे निधि के दादाजी और ये मेरी छोटी दादी
मेरा दादा, ये दादा, और ये रे मेरे पापा, ये बड़े पापा, ये मेरी सबसे छोटी वाली बुआ जी। घोड़ी चढ़के गया था ट्रैक्टर, ट्रैक्टर चढ़के गया था मांगड़े ना मोल की ले रखी सू। आगे घोड़ी भी आऊंगी, आगे घोड़ी भी आऊंगी। ये गाना गुड़चड़ी है, पहले गुड़चड़ी वागती बनाती गुड़चड़ी। इसमें देखो मेरे पापा कितने सुथरे लग रहे हैं। मेरे पापा इन्हों का है सारे गुंडे गुंडे फोटो दिखा दिया, सुथरे आया है ना जब खोल नहीं रही कैमरे ने। हाँ ये कैमरा बंद कर दिया। देखा पापा और सुथरा सुथरा देखो। ये मेरे दादाजी और नाना जी साथ में हैं, यहाँ पे भी, और ये दे यागी घोड़ी। गाओ पापा गाना। घोड़ी चढ़के गया था मांगण ना मैं मोल की ले रखी सू। घोड़ी चढ़के गया था, देख ले सबूत से, देख लो भाई घोड़ी देख लो। ये बैठे हुआ घोड़ी में। ये दोनों शक्ल मैच करनी पड़ेगी पापा भाइयों। बहू दूसरी दूसरी बैठा दे ना भीतर तो पूछ के लिया करते कौन से की है, मामा लिया करता ठाक है या छोटी है बड़ी, बाय चांस गड़बड़ी हो जाए फिर मुड़ा तो देखी जा बड़ा गड़बड़ी ना हो देखा फिर लेती है ना दे बेचारी ने कुछ भी ना दिखता आग में कूजिया। ये भाई रे अलग रे इन्हें ने हाथ पकड़ पकड़ कर कुछ भी ना दिखा था नीचे। ये सुनहरी यादें हैं भाई 20 साल पहले की। वाह वाह परसाई ये नहीं दिखे छोटे मामा ये तो बड़ा ही हो रहा देख मेरी शादी में छोटा सा था दो बच्चा का पापा हो रहा है। ये विदाई है ये पढ़ गौरव यो देख गौरव रहा खड़ा ये रहा हाय हाय क्यूट था गौरव छोटा सा कती ये इतना सुतरा बालक नहीं देखा मैंने इतना गौरव था निशांत तो जा सुतरा पर गौरव तो रहते भी सुतरा था। ये मेरी नानी जी ये भी नानी जी ये कौन है भाई बहू आ गई बहू। एक बार ट्रैक्टर पे जाओ हो एक बार घोड़ी में फिर गाड़ी। ट्रैक्टर पे तो गुड़चिड़ी हुई आड़े नंदले नंदले में गुड़चिड़ी हुई फिर आप हमारे घर जाकर ने घोड़ी पे बैठ कर ने फेरा दी गई था यो फेरा ती गए फेरा ती गऊ फेरा पता है फेरे होया पाछे विदाई होया है विदाई होने के बाद फिर दुल्हन ने बैठावे है फिर गाड़ी में गया फिर वा गाड़ी थी जो ये बच्चा पार्टी आ ये बच्चा पार्टी ये मंजीत बड़े बड़े हो गए इनकी शादी होगी इसकी भी होगी इसके बच्चे हो गए रिफ्लेक्शन आवे इस फोटो पे चलो ये बैठी दोनों बहनें जुड़वा लग रही हैं। तो आप सब ने पूरा व्लॉग देखा उसके लिए थैंक यू और हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर लो वीडियो ने लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताया करके व्लॉग कैसा लगा है और अभी चलते हैं मिलते हैं अगले व्लॉग में बाय।